भागवतसार की श्रृंखला में दसवें स्कंध के 36वें अध्याय पर चर्चा है। आप सब दोहराइए पहला श्लोक, आप थोड़ा सा ही उनको दिखा दीजिए। श्री बादरायणी उवाच अथ तर्हिर्गतो गोष्ठा अरिष्टो वृषभासुरः महिम महाकुत्काय कम्पयन् कुरवीक्षता श्रीबादरायणी उवाच सुखदेव गोस्वामी ने कहा। तत्पश्चात अरिष्टासुर गोपों के गांव में आया। वह बड़े डिल्ले वाले बैल के रूप में प्रकट होकर अपने खुरों से पृथ्वी को क्षत विक्षत करके उसे कंपाने लगा। तात्पर्य, श्री विष्णु पुराण के अनुसार अरिष्टासुर संध्या समय कृष्ण के गांव में प्रविष्ट हुआ, जब वे गोपियों के साथ नाच नृत्य करने की तैयारी कर रहे थे। श्लोक इस प्रकार से है, प्रदोषार्थे कदाचित्तु रासक्ते जनार्दने त्रासयन् समदो गोष्ठम अरिष्टः समुपागतः। एक बार धुंधलके के समय जब जनार्दन रास नृत्य करने के लिए उत्सुक थे, तो अरिष्टासुर उन्मत्त होकर ग्वालों के ग्राम में घुसकर
उन्हें डराने लगा। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेषाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। दसवें अध्याय दसवें स्कंद के अब 36वें अध्याय पर हम लोग पहुंच गए हैं। तीन दिन और बाकी है, आज गुरुवार है, शुक्र शनि रवि तीन दिन, तो 37, 38, 39 अब 40 नहीं हो पाए, थोड़ा सा पिछड़ गए। सो 36वें अध्याय पर हम लोग हैं। अरिष्टासुर का वध युगल गीत को हम लोग सुन चुके, तो अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एक समय उसके बाद अब अरिष्टासुर के वध की लीला कह रहे हैं। तो पहले 15 श्लोकों में इस अध्याय के सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि कैसे भगवान ने अरिष्टासुर का वध किया। फिर 16वें श्लोक से आगे वर्णन करते हैं 26वें श्लोक तक कि कैसे नारद मुनि, अब यहाँ अरिष्टासुर का वध हो गया और नारद मुनि कंस के पास पहुँचे और क्या किया उन्होंने, कंस को क्या कहा, और फिर कंस ने कैसे कृष्ण और बलराम के वध की तैयारी की। और फिर आगे 27वें श्लोक से वर्णन है 37वें श्लोक तक कि किस प्रकार बड़े प्रेम से कंस अक्रूर जी से प्रार्थना करते हैं कि आप जाइए और कृष्ण बलराम को लेकर आइए मथुरा में ताकि हम उसे मार सकें। और फिर अंतिम श्लोकों में 38 से 40 तक अक्रूर जी सुनने के बाद कुछ एक तरह से उसको सुझाव देते हैं लेकिन फिर स्वीकार करते हैं कि ठीक है मैं जाऊंगा। तो ऐसे ये अध्याय है। तो दो महत्वपूर्ण लीलाएं इस अध्याय में हैं, एक अरिष्टासुर का वध और दूसरा अक्रूर जी को मथुरा जाने के लिए कहना। तो अब कृष्ण की ब्रज लीलाएं समाप्ति पर है। अक्रूर जी को कह दिया जाएगा, अक्रूर जी आएंगे जिस दिन कहा रात को, अगले दिन सुबह अक्रूर जी चल दिए थे, तो आज कह रहे कंस तो कल आ जाएंगे अक्रूर जी, समाप्त होंगी ब्रज लीलाएं। तो इसीलिए अब अरिष्टासुर का वध, ये इसके बाद भगवान और दो असुरों को भी मारेंगे। ब्रेकफास्ट और लंच के पहले भगवान ऐसा कर लिया करते थे डाइजेशन बढ़ाने के लिए, सो इसीलिए भी और दो असुरों को भी मारेंगे जाने से पहले, उनका वर्णन कल करेंगे। तो अरिष्टासुर ये आया बैल के रूप में। तो वर्णन है कि अरिष्टासुर वृंदावन में आया, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे संध्या के समय, और बड़ा विशाल एक बहुत बड़े बैल के रूप में आया। और उसका जो ये हम यहाँ पे दिल्ला लिखा शायद उसी को कहते, तो पीछे होता है ना बैल के, वो हाँ क्या कहते हैं उसको, हम हिंदी की बात कर रहे हैं, हिंदी में क्या कहते हैं किसी को नहीं पता ना, मतलब सब पंडित हैं हिंदी में, खैर जो भी कहते हैं आप समझ गए ना। तो वो बहुत बड़ा था, तो ऐसा वर्णन किया गया है कि वो इतना विशाल था कि उस जो बादल थे उन्हें लगा कि ये कोई पर्वत है और उसके आसपास मंडराने लगे, उसके जो था उसके आसपास वो मंडराने लगे। और एक स्थान पर वर्णन है कि वो इतना विशाल था, इतना बड़ा था कि शिवजी घबरा गए, तो उन्होंने अपने नंदी को छुपा दिया एक गुफा में कि ये कौन आ गया इतना बड़ा इतना विशाल। तो ऐसे वो आया और ब्रज में आया और बहुत उसने उत्पात मचाना, मतलब अपने खुरों से पृथ्वी को खरोचने लगा, दहाड़ जोर से आवाज करने लगा, घबराए सब लोग, इतनी जोर से उसने आवाज की
वर्णन है कि जो कुछ स्त्रियां गर्भवती थी या जो गाय गर्भ धारण किए हुई थी, इसकी आवाज मात्र से उनके गर्भ गिर गए, इतना भयंकर था। तो ऐसे आया, और वैसे ये वर्णन है कि अरिष्टासुर पहले भी आया था ब्रज में, ललित माधव नाम की नाटक में रूप गोस्वामी इसको लिखते हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं कि पूर्णमासी समझा रही हैं कि अरिष्टासुर और केशी ये दोनों पहले आए थे। कंस ने भेजा था, जाओ जगह देख कर आओ ब्रज में क्या हो रहा है, यहाँ से कुछ कुछ समाचार में जिसको भी भेजता हूँ, मर रहा है क्या बात है, देखो जरा। तो ये लोग आए थे ऐसे घूमने के लिए, घूम घाम कर गए थे, और जाकर कंस को इन्होंने रिपोर्ट किया। कंस को इन्होंने कहा कि वहाँ पर राधा और कृष्ण की लीलाएं चल रही हैं, वही ब्रज का प्रमुख लीला, प्रमुख चीज़ वही हो रही है वहाँ पर, और लोग बड़े आनंद में हैं, उनके आनंद को समाप्त करना है तो राधा का अपहरण कर। तो इसीलिए शंखचूड़ को भेजा था कंस ने कि वो राधा रानी का अपहरण करके लाए, कर तो नहीं पाया लेकिन भेजा इसलिए था। तो अब अरिष्टासुर आए यहाँ पर मारने के लिए, तो बड़े भयानक थे। तो जब ऐसा सब हुआ, जोर से कुछ चिल्ला रहा है, गर्भवती स्त्रियों के गर्भ गिर गए, सभी ब्रजवासी इधर उधर भागने लगे और सब चिल्लाने लगे कृष्ण कृष्ण रक्षा करो। देखिए हम सारी लीलाओं में देखते हैं ब्रजवासियों का कितना विश्वास है कृष्ण पर, कुछ हो जाए उनको चिंता नहीं, बस कृष्ण है संभालेंगे। तो भागे कृष्ण कृष्ण रक्षा करो, कृष्ण ने देखा कह रहे मेरे ब्रजवासी मेरे प्रेमी भक्त ये इतने कष्ट में कैसे आ गए। तो तुरंत कृष्ण सामने आए अरिष्टासुर के। अब आप सोचिए अरिष्टासुर इतना विशाल और उनके सामने कौन खड़े हैं, छोटे से बालक कृष्ण 9-8-9 साल के बालक। और कृष्ण ने अरिष्टासुर से कहा कि तुम तो सारे जीवों में अधम हो। आप सोचिए कभी कोई गुस्से में हो और बड़ी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा हो, उसका अपमान कर दो उसका गुस्सा और बढ़ जाता है ना। इसलिए जब कोई गुस्से में हो तो उसका अपमान नहीं, चुप रहना चाहिए, ठीक है बाद में बात करें, लेकिन गुस्से में आप उसको कुछ कह दो तो वो उसका गुस्सा दुगना बढ़ जाता है, अपमान नहीं करना चाहिए। इसीलिए कृष्ण अपमान कर रहे, अधम सारे जीवों में अधम हो, क्यों आए हो यहाँ मेरे ब्रजवासियों को कष्ट देने के लिए, तुमको तो मैं ऐसे ही परास्त करूँगा। और ऐसे कहकर ऐसा नहीं किया कि उन्होंने तैयारी की भागने के लिए, वो वहीं खड़े हुए और अपने एक मित्र के हाथ पर कंधे पर ऐसा अपना हाथ रख लिया मित्र के कंधे पर, और ऐसे करके खड़े आराम से बोल रहे हाँ आओ। आप सोचो आपको कोई गुस्से से मारने आ रहा है बड़े क्रोध में और मारना चाहता है, बड़ा भयंकर है, और आप आराम से ऐसे किसी के गले में हाथ डालकर खड़े अपने मित्र के याद अब क्या कर रहे हो। तो उसको और गुस्सा आ, तो बड़ी तेजी से वो आया, उसने अपने जो सींग थे ऐसे सामने रखे और बड़ी तेजी से भागता हुआ आया। उसने मेरे भागने से पहले ऐसे क्यों आपने देखा बैल वो लोग अपने पैरों से पीछे मिट्टी को पीछे करते हैं, और फिर भागता हुआ आया। जो भागता हुआ आ रहा था तब उस समय कृष्ण ने अपने दोनों भुजाओं पर ऐसे मारा, आ जाओ ऐसे करते आ जाओ। और फिर भागता हुआ आया और कृष्ण को मारना चाहता था, कृष्ण ने उसके दोनों सींगों को पकड़ा और ऐसे पीछे धक्का मारा, कहते कि वो करीब 18 कदम पीछे चला गया, इतनी जोर से था। शिव जी इतना विशाल आ रहा है मारने, शिव जी तक घबरा गए थे, उसको ऐसे कृष्ण ने किया पीछे चला गया, जाके गिरा। अब और उसको गुस्सा, पूरी ताकत से फिर अब वो आया मारने के लिए श्री कृष्ण को। तो अब श्री कृष्ण ने सोचा ज़्यादा इसका करना नहीं चाहिए, इसके साथ खिलवाड़, मेरे ब्रजवासी बड़े दुख में हैं। तो श्री कृष्ण ने उसको पकड़ा और ऐसे घुमाया उसके टांगों पकड़ के, और उसको लात मारना शुरू किया, ऐसे पटका नीचे और लात मार रहे हैं। और फिर इतना ही नहीं, उनको संतुष्टि नहीं हुई, वर्णन ऐसे कि उन्होंने उसको उठाया और जैसे कपड़े को ऐसे पटकते हैं ना, आपने देखा धोबी कपड़े को पटकता है, आजकल तो शायद वो सब चला गया, लोग मिक्स क्या बोलते हैं वॉशिंग मशीन में सब करते हैं, कुछ पता नहीं चलता कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन पहले के समय में लोग धोबी घाट हुआ करते थे। तो अब देखो अभी भी हैं वृंदावन इत्यादि में, तो वहाँ सब आकर वो धोबी ऐसे कपड़े को पत्थर पे मारते ताकि वो साफ हो जाए।
तो ऐसे ही उन्होंने मारना शुरू किया उसको, फटा फटा, और फिर उसका एक सींग तोड़ा और उसी सींग से उसको बार बार मार रहे। बहुत गुस्से में कृष्ण, ये क्या इसने मेरे ब्रजवासियों को इतना कष्ट दिया। और फिर ऐसे जब उन्होंने किया तो अरिष्टासुर मर गया, उसकी आंखें बाहर निकल आई, सांसें बंद हो गई और वो वहीं मर गया। भागवतम में तो वर्णन नहीं है, लेकिन गर्ग संहिता में वर्णन आता है कि जैसे ही वो मरा तो उसके शरीर से आत्मा बाहर निकली, सबने देखा, प्रकाश ऐसे बाहर निकला और वो एकदम एक बहुत अच्छे ब्राह्मण के शरीर में आ गए, ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुआ। जो आत्मा निकली थी वो ब्राह्मण के रूप में निकली और उसने आके श्री कृष्ण को प्रणाम किया और श्री कृष्ण से कहा कि दरअसल मैं अपने पूर्व जन्म में बृहस्पति का शिष्य था, वरतंतु मेरा नाम था, बहुत अच्छा ब्राह्मण था, बृहस्पति के साथ रहते थे, शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, ब्राह्मण थे। एक दिन गुरुजी बैठे थे, बृहस्पति बैठे थे, मैं उनके सामने पांव फैलाकर बैठा, लोग बैठ जाते पांव ऐसे फैलाकर, अच्छा लगता है, पांव फैलाकर बैठा। तो जैसे ही गुरु ने देखा उन्होंने कहा ये तो बैल की तरह बैठे हो, बैल ऐसे बैठते हैं ना, आपने देखा कभी बैल को बैठे हुए आराम से ऐसे पांव पूरा फैला कर बैठते हैं, कभी बड़ा उसको आनंद आता है उसमें, तो बैल की तरह बैठे हो, इसलिए श्राप दे दिया कि ये अपमान है। दरअसल जब हम वैष्णव आचरण संहिता का पालन करते हैं तो उसमें ये एक अपराध है। इवन जब भगवान के हम सामने होते हैं तो गोस्वामी भक्तिर सामने सिंधु में लिखते हैं कि एक अपराध है कि हम भगवान के सामने ऐसे पैर फैलाकर बैठे हैं। और वैष्णव आचार संहिता में कहा गया है कि कोई वरिष्ठों के सामने, हमें ऐसे खास करके जो गुरु हो या कोई भी क्यों ना हो, किसी भी व्यक्ति के सामने ऐसे पैर फैलाकर नहीं बैठना चाहिए, उसका अपमान होगा। रूप गोस्वामी ने यह लिखा है। जब भक्ति के नियम जो कभी रूप चर्चा करेंगे भक्ति के सामने सिंधु में, जो 64 नियम दिए हैं के, उनमें से 35 से अधिक विग्रह से संबंधित है। मंदिर में कैसे बैठना चाहिए, विग्रह के सामने जोर से नहीं बोलना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, कोई प्रजल्प नहीं होना चाहिए, पीठ करके नहीं बैठना चाहिए, पांव फैलाकर नहीं बैठना चाहिए, ये सब वर्णन किया गया। तो ये अपराध हो गया तो मुझे श्राप मिला, वर्तन तो बता रहे हैं, और मैं एक बैल बन गया और बैल बनकर मैं प्रकट हुआ बंगाल में, बंगाल में प्रकट हुआ था बैल बनकर। फिर यहाँ कैसे आ गए, तो बहुत सारे ऐसे गलत लोगों का संग उसको मिला, गलत बैलों का और गलत असुरों का। धीरे धीरे कंस के पास आए, मतलब प्रगति होते होते बड़े आतंकवादी से मिले और फिर उसके सहयोगी बने। तो ऐसे ये उन्होंने अपना वृत्तांत, अपना पूर्व इतिहास बताया कि कैसे मैं यहाँ पर आया हूँ। और फिर उन्होंने प्रार्थना की कि मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं अपने स्थान वापस जा सकूँ। तो ऐसे फिर श्री कृष्ण ने उन पर कृपा की और फिर वो वापस अपने स्थान पर चले गए। तो ऐसा ये वर्णन है गर्भ संहिता में। बृहद भागवतामृतम एक बड़ा सुंदर वर्णन देता है, अलग ही वर्णन है। क्या वर्णन है बृहद भागवतामृतम का? उसमें वर्णन किया गया कि केशी और अरिष्टासुर दोनों आए थे ब्रज में और श्री कृष्ण ने इन दोनों का वध नहीं किया, न केशी को मारा न अरिष्टासुर को मारा। तो वह कहते हैं कि जब केशी आए तो श्री कृष्ण के साथ युद्ध हुआ और श्री कृष्ण उनकी पीठ पर बैठ गए। केशी घोड़े के रूप में थे, बहुत विशाल थे केशी। केशी और अरिष्टासुर दोनों का वर्णन है कि बड़े विशाल, कृष्ण की पीठ पर बैठ गए और फिर घुड़सवारी करने लगे कृष्ण, और कृष्ण को बड़ा आनंद आया। तो फिर कृष्ण ने वध नहीं किया केशी का, उन्होंने उनको वहीं रख लिया ब्रज में कि जब भी घुड़सवारी का इच्छा होगी तुम्हारे ऊपर बैठेंगे, तो केशी वहीं रह गया। अरिष्टासुर का भी यही वर्णन है कि अरिष्टासुर आए, भगवान ने मारा नहीं, भगवान ने ब्रज में रख लिया, चलो बैलगाड़ी वगैरह खींचने के काम आए, बड़ा शक्ति है, बैलगाड़ी खींचने में लगाए ऐसे भगवान ने रख लिया। तो कैसे विरोध, कैसे ये कैसे हो सकता है? भागवत कहते मार दिया
बृहद भागवत अमृतम कहते हैं कि नहीं मारा। तो ये ऐसे हो सकता है जैसे हमने उस दिन कालिया की कथा में वर्णन कर रहे थे कि कालिया को जाने के लिए कह दिया चले गए, लेकिन एक समय कालिया पर बैठकर भगवान मथुरा गए थे, ये भी वर्णन किया था। अर्थात किसी और कल्प में लीला हुई हो। वैसे बृहद भागवत अमृतम का वर्णन है कि भगवान ने दोनों को रखा और दोनों को सेवा में लगाया। तो इस प्रकार अरिष्टासुर, भागवत के अनुसार अरिष्टासुर का वध हुआ। अरिष्टासुर भक्ति विनोद ठाकुर समझाते हैं हमारे हृदय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण या गंभीर अनर्थ को प्रकट करता है, और वो क्या है, बैल ये धर्म का प्रतीक होता है और अरिष्टासुर बैल के रूप में आया था, अर्थात धर्म के प्रतीक के रूप में, लेकिन था कौन, असुर। तो ये अरिष्टासुर ये झूठे कैटव धर्म को प्रकट करता है, धर्म को प्रकट करता है लेकिन कैटव धर्म, झूठे धर्म, दिखावे के धर्म, धोखा देने वाले धर्म प्रकट करता है। तो इसलिए ये जो लीला की अरिष्टासुर की, भगवान भक्ति विनोद ठाकुर समझाते हैं कि जब तक हम अरिष्टासुर को नहीं मारेंगे हम शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते। तो अरिष्टासुर ये अधर्म या धोखे वाला धर्म प्रकट करता है। भागवत के सातवें स्कंद में नारद मुनि समझाते हैं कि ये जो अधर्म है ये पांच रूपों में प्रकट होते हैं, जिनका वर्णन ये अरिष्टासुर जिनका प्रतिनिधित्व कर रहा है ये पांच रूपों में प्रकट होते हैं। भागवत के सातवें स्कंद में इसको बताया गया कि अधर्म की पांच शाखाएं हैं। कौन कौन सी शाखाएं हैं? पहली शाखा वर्णन किया गया विधर्म। विधर्म का अर्थ होता है कि बाहरी दृष्टि से लगता है वे धर्म का पालन कर रहे हैं लेकिन रीति रिवाजों में फंसे हुए, उनका मूल उद्देश्य रीति रिवाजों को ठीक से पालन करना है। ऐसे कई तथाकथित ब्राह्मण हैं जो उद्देश्यों को नहीं समझते लेकिन रीति रिवाज को बड़ा महत्व देते हैं। हम लोग ब्राह्मण पत्नियों की कथा पढ़ चुके हैं, भगवान ने उद्धार किया उसमें भी यही था। ब्राह्मणों के पास आए, कृष्ण को भूख लगी है, बलराम जी को भूख लगी है, दो ब्राह्मणों ने ध्यान ही नहीं दिया, क्यों, अभी हम यज्ञ कर रहे हैं। तो यज्ञ के मूल उद्देश्य को ना समझते हुए लेकिन उनकी रीति रिवाजों में फंस जाना ये विधर्मी लोग कहलाते हैं। तो हमें कभी भी रीति रिवाजों में नहीं फंसना चाहिए, उद्देश्य को हमेशा याद रखना चाहिए। हम लोग भक्ति केवल रीति रिवाज करने के लिए नहीं कर रहे हैं। कभी कभी लोगों को रीति रिवाज बड़े अच्छे लगते हैं, आप उनको कहिए मंगल आरती आइए, नहीं आएंगे, उनको कहिए सुबह 5 बजे आइए, यज्ञ करना है, 4 बजे से खड़े रहेंगे, क्यों, रीति रिवाज, उनको लगता है ये बहुत अच्छा हो रहा है, ये यज्ञ है, इसमें कुछ बात है, ये लोग सुबह सुबह संसार दावा लगाते रहे इसमें क्या है। हाँ ये देखो अग्नि जल रही है, मंत्रोच्चारण हो रहा है, कुछ कुछ लगता है ना। तो हमें उसमें नहीं, हाँ वो जरूरी है, ऐसा नहीं है कि यज्ञों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यज्ञों को उद्देश्य को भूलकर नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए पहले प्रकार के जो पहली शाखा है अधर्म की वो है विधर्मी, विधर्मी लोग जो केवल रीति रिवाजों में फंसे रहते हैं। जैसे वो आपने कई बार सुना है ना कि एक बार एक ब्राह्मण सो रहा था और उसकी गायत्री का समय हो रहा था, बस निकलने वाला था वो समय, ठीक 12 बजे वो करता था दोपहर को, कभी उसने मिस नहीं किया। तो उस समय जब समय निकल रहा था अचानक किसी ने आके उसको उठाया, उठो उठो, वो एकदम उठा, क्या हो रहा है, तुम्हारा गायत्री का समय, ओ जल्दी जल्दी गया, अपने आप को शुद्ध किया, गायत्री की, उसे एकदम समय पर कर लिया। फिर उसने देखा कौन है ये व्यक्ति, किसने उठाया मुझे, तो देखा कौन है, पूछा आप कौन है, बोले मैं कली हूँ। कली, कलयुग का काम तो नियमों को तोड़वाना है, आपने मुझे क्यों नियम पालन करने के लिए प्रेरित किया। कलयुग ने कहा कि देखो अगर तुम्हारा नियम टूट जाता कि तुम हर रोज 12 बजे ये करते हो, नियम टूट जाता
तो तुम्हारे हृदय में जो अहंकार है वो टूट जाता। तुम्हें अहंकार है, मैंने आज तक कभी 12 बजे से भी तो टूट जाता, मैं चाहता था तुम्हारा अहंकार बना रहे, इसीलिए मैंने तुमको आकर उठा। तो रीति रिवाज केवल अहंकार को जन्म देते हैं, भक्ति को नहीं, प्रेम को नहीं। इसीलिए रीति रिवाजों में फंसना नहीं चाहिए ना। वो हम लोग कई बार प्रचार के समय इस्तेमाल करते हैं कि एक पक्षी का समूह था, बहुत सारे बच्चे थे, तो पक्षी बाहर जा रहे थे, माता पिता बच्चों को सिखा कर गए। एक नीचे साधु बैठा था, उससे कहा कि कोई मंत्र बता दो। तो साधु ने कहा ये मंत्र याद रखो, कभी जीवन में कष्ट नहीं आएगा। क्या मंत्र है? शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं। और सब बहुत अच्छा, बच्चों को सिखा दिया पूरा। हाँ, बच्चे नियम से रोज रोज गाते थे, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं। माता पिता एक दिन चले गए, शिकारी आया, जाल फैलाया, दाना डाला, बच्चों ने देखा सांप नीचे भाग रहे हैं, उड़ते हुए जा रहे हैं और वही मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं। चले गए, दाना खाने लगे, फंस गए, शिकारी ने पकड़ लिया, बांध कर उनको ले जा रहा है। और उस समय भी मंत्र वही कह रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं। ये रीति रिवाज है कि मंत्रों का उच्चारण तो बड़े नियम से हम करें, लेकिन उद्देश्य क्या है? इस मंत्र का उद्देश्य था उसको समझना कि शिकारी आ गया है, जाल फैला दिया है, हमें जाना नहीं है। इसी तरह इस जगत में, इस भौतिक जगत में शिकारी आता है, माया देवी जाल फैलाती हैं, इंटरनेट माया जाली है, और दाने डाले जाते हैं हमें प्रभावित करने के लिए, और हम लोग बड़े मंत्र का उच्चारण करते हैं कि ये बहुत खराब है, किसी को नहीं करना चाहिए, और करते करते तो रीति रिवाज एक दृष्टि से हमें अहंकार लाते हैं और दूसरी ओर हमारे नाश का कारण बनते हैं या हमारे जीवन के उद्देश्य की पूर्ति में सहायक नहीं होते। इसीलिए विधर्मी नहीं बनना चाहिए। दूसरे प्रकार या दूसरी शाखा है परधर्मी। परधर्मी मतलब वे लोग जो अपना ही धर्म बना लेते हैं, देह को देह के आधार पर धर्म बन जाता है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने अपने धर्म बनाए हुए हैं, संभोग से समाधि तक। ये कहां लिखा है? अपने मन से। तो ऐसे धर्मों को बना लेने पर धर्मी लोग हैं। ये भी अधर्म की एक शाखा है, ये धर्म नहीं है। क्यों धर्म नहीं है? धर्म वो है जो भगवान ने बनाया, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। हमने बनाया हुआ धर्म धर्म हो ही नहीं सकता, वो अधर्म है। इसीलिए लोग धर्म बना देते हैं देह के आधार पर कि बस ये करो यही धर्म है, और लोगों को अच्छा लगता है। क्यों? आनंद मिल रहा है। जो हम बाहर कर रहे थे उसको कहा जा रहा था पाप है, अनर्थ है, अत्याचार है, अधर्म है, वही हम यहाँ पर आराम से कर रहे हैं और हमें कहा जा रहा है कि यही धर्म है, बहुत अच्छा। और क्या चाहिए जी? ऐसे लोग परधर्मी कहलाते हैं। तीसरे होते हैं, तीसरी शाखा कही गई है आभास। आभास मतलब जहां देखने से ऐसा लगता है, आभास होता है कि ये भक्त है, लेकिन वो होते नहीं। जैसे रावण, रावण जब सीता का अपहरण करने आए, उन्होंने एक सन्यासी का वेश ले लिया, सीता के सामने आए, भिक्षाम देही। सीता को लगा कोई साधु आए देना चाहे, लेकिन थे कौन? असुर राक्षस। ऐसे लोगों का वर्णन भगवान भगवत गीता के तीसरे अध्याय में करते हैं। वो कहते हैं कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढात्मा मिथ्याचार समुच्यते। भगवान कहते ऐसे लोग मिथ्याचारी हैं। क्यों? वस्त्र है सन्यासी का या वैरागी का, कर्मेंद्रियाणि संयम्या
अपने कर्म इंद्रियों को बहुत संयम में रखने का प्रयास कर रहे, बाहरी दृष्टि से दिखा रहे, लेकिन मन भोगों में लगा हुआ। तो ये आभास है, केवल आभास दिखा रहे, उससे कुछ आभास से होता नहीं है। आपको प्यास लगी है, पानी का आभास दिखाया जाएगा आपको, क्या होगा? आपको भूख लगी है, खाने का आभास होगी, भूख नहीं मिटेगी। इसी तरह कृष्ण भावना मृत, ये हमारी उस भूख को मिटाती है जो जन्मों जन्मों से हमें भूख लगी, लेकिन आभास उस भूख को नहीं मिटा सकता। चौथे हैं उपधर्मी, चौथी शाखा है उपधर्म या अधर्म की चौथी शाखा, जहां व्यक्ति अपने आप को भगवान घोषित कर देता है, कोई शास्त्र का पालन नहीं करता, मैं ही सब कुछ हूं, कंस रावण हिरण्यकश्यपु, और आजकल भी बहुत है लोगों को, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर समझाते थे, दो प्रकार के लोग हैं इस जगत में, एक वो जो धोखा देते हैं और दूसरे जो धोखा खाते हैं। जो धोखा देते हैं उनके लिए भगवान बनना सरल है, क्योंकि बहुत सारे लोग धोखा खाने के लिए तैयार हैं। कैसे किसी साधारण व्यक्ति को कोई भगवान मान सकता है? हाथ घुमाया, थोड़ा सा सोना निकाला, दे दिया, भगवान हो गए। कोई राख निकाल कर दे दी, भगवान हो गए। कोई चमत्कार जादू कर दिया, भगवान हो गए। उससे अच्छा तो जादूगर के शो में चले जाइए, वो आपको काट के भी दिखा देगा, लेकिन हम उसको भगवान नहीं मानते। मैंने देखा है, कभी शो देखा है जादूगर का, उसमें वो एक व्यक्ति को रख कर अंदर कुछ काट देते, तलवार मार देते हैं, तब तरफ से अंदर है व्यक्ति, और फिर उसको या जीवित कर देते हैं। ऐसे कई प्रसिद्ध जादूगर थे जिनको पूरा सबके सामने संदूक में बंद करके, ऊपर से ताला वाला लगा के सबके सामने पानी में फेंका जाता था, सब देख रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अंदर से बाहर निकल आता, भगवान है। तो कोई जादू करने से भगवान नहीं बनता, कोई चमत्कार दिखाने से भगवान नहीं बनता। ये तो चमत्कार की शक्ति है, असुरों के पास भी होती है। पूतना आई, क्या किया, अपना रूप बहुत सुंदर कर लिया, उसके पास भी शक्ति थी, वो भगवान नहीं हो गए। शूर्पणखा आई, उसने अपना रूप सुंदर कर लिया, वो भगवान नहीं हो गए। तो चमत्कार या कुछ शक्तियों के प्रदर्शन से भगवान नहीं बनते, लेकिन ये लोगों को धर्मी, ये अपने आप को भगवान घोषित कर देते हैं। और कई ऐसे मूर्ख लोग हैं, आज भी हैं, हम लोग हंसते हैं ये बात सुनकर, राइट, अरे कैसे किसी व्यक्ति को भगवान मान सकते हैं, लेकिन आप देखिए आज भी हैं लोग, किसी को देवी बनाया हुआ है, किसी को दुर्गा बनाया हुआ है, किसी को जगन्नाथ बनाया हुआ है। हाँ, यस, मुंबई के पास है एक भाई बहन, एक जगन्नाथ है, एक बलदेव है, और दूसरे सुभद्रा है, उनकी रथ यात्रा भी निकालते हैं लोग। मूर्खता, इतना पागल तो अभी, और भी कई लोग उनको, जैसे कोई देवी है, बस वो चाहे कुछ भी करे, वो फिल्मों के गाने पर नाचे भी ऐसे आड़े टेढ़े कपड़े पहनकर, तो भी उनको देवी माना जाए, लीला है देवी की। ऐसे 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 लोगों को भगवान बनाया। तो ये है सारे उपधर्मी। और पांचवी शाखा है छल धर्म। छल धर्म मतलब शब्दों के हेर फेर के द्वारा व्यक्ति को इतना भ्रमित कर दे, इतना छलावा करें उससे, कि वो थक हार कर आपको स्वीकार कर ले। तो समझ नहीं आएगा, भाई आप बड़े विद्वान हैं, है ना? मान लीजिए आप ये प्रवचन सुन के बाहर जाए, कोई आपको पूछे कि अतुल कृष्णों का प्रवचन कैसे, अच्छा बहुत अच्छा, क्या क्या कहा, वो तो समझ नहीं आया, लेकिन था बढ़िया लक्ष्य। तो फिर क्या बढ़िया लक्ष्य था? ऐसे कई लोग हैं, कई संस्थाओं के, वो भगवद गीता या किसी भी श्लोक को इतने क्या कहते हैं उसका ऑपरेशन कर करके इतनी तरीके से समझाते हैं एक एक शब्द को, कि आप बैठकर भ्रमित हो जाएंगे, ये व्यक्ति की कितनी बुद्धि है। बिल्कुल बुद्धि नहीं है, मूर्ख है वो व्यक्ति, केवल फंसा हुआ है उसको ऑपरेशन करने में। और उनका कैसा है, ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड, ये उनकी स्थिति। इतना शब्दों का हेर फेर करते हैं, छल करते हैं, कि
कि उससे वो प्रकट करने का प्रयास करते हैं कि भगवान है ही नहीं, शब्दों को घुमा देते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि को वो कहते हैं कि ये देखो शास्त्र में लिखा है अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं भगवान हूं, इच्छल है। प्रभुपाद समझाते हैं अहम ब्रह्मास्मि सही है, अहम पर ब्रह्मास्मि नहीं लिखा कहीं पर, अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म वस्तु हूं, मैं आत्मा हूं, ये सत्य है। लेकिन वो कहते नहीं, अहम ब्रह्मास्मि मतलब हम भगवान, तो इसको छल धर्म कहा जाता है। तो ऐसे ये अधर्म की पांच शाखाएं भागवत के सातवें स्कंद में नारद मुनि प्रकट करते हैं। और इससे बचने का क्या उपाय है, ये जो हम रीति रिवाजों में ना फंसे, ये धोखे का धर्म ना करें, ये छलावा ना करें, ये आभास ना दे, पर धर्मी उपधर्मी ना बने, इसका क्या उपाय है। इसका उपाय पहले ही तीसरे स्कंद में भगवान कपिल ने दे दिया, बहुत सुंदर बात उन्होंने कही, उन्होंने समझाया भक्ति क्या है। भगवान कहते क्या भक्ति है, मद गुण श्रुति मात्रेण मई सर्वं गुहाशये, मद गुण श्रुति मात्रेण, वो कहते भक्ति ये है कि मेरी कथा सुनने में इतनी रुचि हो, मेरे नाम मेरी गुण मेरी लीला को सुनते ही हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाए, वो भक्ति है। मद गुण श्रुति मात्रेण, और कुछ करना नहीं पड़े, बस सुना और हृदय में प्रेम, गोपियों ने सुना और भाग पड़ी, समर्पण कर दिया, इसे कहते हैं भक्ति। और वो भक्ति कैसी होनी चाहिए, भगवान कपिल कहते हैं वो भक्ति अहेतु की होनी चाहिए, उसका कोई हेतु ना हो, ऐसी भक्ति जहां वो कहते हैं कि मेरे भक्त मुक्ति को भी त्याग देते और सभी प्रकार की मुक्ति को, सालोक्य सारिष्टि सारूप्य सामीप्य सम एक जो भी है मुक्तियां कहते सबको त्याग देते, बिना मत सेवनम जना दीयमाना न ग्रहणाती, वो कहते मैं देता हूं वो लेते नहीं, क्यों, बिना मत सेवनम जना, उनको सेवा में रुचि, वो मेरे भाग है, वो नहीं जो इन मुक्तियों के पीछे भाग है। तो वो कहते नहीं ऐसी भक्ति होनी चाहिए, और फिर उसका मार्ग भी देते हैं, केवल इतना नहीं उन्होंने बताया कि ये भक्ति होनी चाहिए, ये शुद्ध भक्ति है, मद गुण श्रुति मात्रेण मई सर्वं गुहाशये, कैसे पहुंचना है वहां तक उसका मार्ग भी भगवान कपिल ने दिया। तो वो कहते हैं कि कैसे भक्ति करनी चाहिए, वो कहते हैं कि भक्ति जब करें तो सबसे पहले किसी भौतिक लाभ के लिए भक्ति मत कीजिए। अगर हम भक्ति किसी भौतिक लाभ के लिए कर रहे हैं, क्या लाभ चाहिए हमें भक्ति में, भक्ति करते हुए क्या भौतिक लाभ हो सकता है, बहुत सा हो सकता है। सबसे ज्यादा व्यक्ति भक्ति करते हुए भौतिक लाभ चाहता है मान सम्मान, कि मुझे लोग मान सम्मान दें। अगर ये भावना है तो भगवान कपिल कह रहे हैं शुद्ध भक्ति तक नहीं आ पाओगे। तो कोई भौतिक लाभ की कामना, भौतिक लाभ क्या क्या है, मान सम्मान पाना भौतिक लाभ है, बड़ा अच्छा लगता है हमें, लगता बस मुझे ही मान सम्मान मिले, हर जगह मैं ही जाऊं मेरी फोटो खींचे, ये भक्ति के लिए बाधा है। और क्या भौतिक लाभ की कामना होती है हमें, कोई कुछ लोग भक्ति करते धन कमाने के लिए, उनको लगता है कि भक्त धन मिलेगा थोड़ा भगवान के लिए लेंगे, भगवान के नाम पर लेंगे, थोड़ा भगवान को देंगे, थोड़ा अपने क्या थोड़ा भगवान को देंगे, ज्यादा अपने पास रखेंगे। कुछ लोग धन के लिए करते, कुछ लोग मान सम्मान के लिए करते, कुछ लोग अपने मेहनत से बचने के लिए करते हैं, आलसी बनने के लिए करते हैं, बड़ा अच्छा जाके रहो अच्छा होगा, नहीं भक्ति करनी चाहिए केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो किसी भौतिक लाभ की कामना से रहित होकर भक्ति करें। आगे वो बताते हैं हृदय में किसी प्रकार की हिंसा नहीं हो, भक्ति करते समय हिंसा का भाव ना हो। हिंसा क्या है, हिंसा केवल चाकू लेकर मारना नहीं है, हिंसा अपमान करना भी है, हिंसा कृष्ण से दूर ले जाना भी है, किसी प्रकार की हिंसा की भावना ना हो। ये भाव बड़ा अच्छा है,
एक तरफ कोई भौतिक कामना नहीं है, दूसरी तरफ मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मुझे नुकसान हो जाए, मुझे कष्ट हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी वजह से एक भी व्यक्ति को कष्ट नहीं होना चाहिए। ये भगवान का प्रिंसिपल है। हिंसा मत कीजिए अन्यों के ऊपर। और फिर वो आगे समझाते हैं, ये दरअसल किसी और दिन भगवान कपिल के द्वारा वर्णित इन लक्षणों को विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर वो कहते हैं कि विग्रह के दर्शन करे, बहुत प्रैक्टिकल चीजें दे रहे हैं, विग्रह के दर्शन करे, मेरे चरणों का स्पर्श करे। तो आप लोग कहेंगे चरणों का स्पर्श होता ही नहीं है, हमें तो इतनी दूर से दर्शन होते हैं, मंदिर में जाए अंदर तक घुसने नहीं देते हैं। नहीं, घुस सकते, जा सकते हैं, आप योग्य बनिए, भगवान के श्रृंगार कीजिए, क्यों नहीं चरणों का स्पर्श होगा, चरणों का स्पर्श भी होगा। तो भगवान कहते, कपिल मुनि कहते हैं कि आप विग्रह के दर्शन कीजिए, चरणों का स्पर्श कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए। ये नियम है, रूप गोस्वामी ने भी दिया है कि जब भी हम विग्रह के सामने आए, दर्शन करें, तो हमें प्रार्थना अर्पण करनी चाहिए। भक्ति के संरक्षण के लिए नियम उन्होंने दिया है। और हरेक को आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में देखें। जब हम हर व्यक्ति को देखें तो भेद नहीं करें, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये उस जाति का है, ये उस धर्म का है, ये भारत का है, ये अमेरिका का है, ये यूरोप का है, ये पाकिस्तान का है, आत्मा के रूप में देखिए। ये भक्त का कार्य, जैसे श्रील प्रभुपाद ने किया। प्रभुपाद ने अगर देखा होता कि अमेरिका से है, ये हिप्पी लोग हैं, इनके पास जाने की मुझे कोई जरूरत नहीं, मैं सन्यासी हूं, जैसे उस दिन भी हम वर्णन कर रहे थे कि जब प्रभुपाद ने किसी का विवाह करवाया, थोड़े समय बाद वो माता जी छोड़कर चली गई किसी और के साथ, तो प्रभुपाद को कितना गुस्सा आया, अरे मैं, मुझे क्यों ये सब सुनना, मैं सन्यासी हूं, मैं जा रहा हूं वापस। लेकिन कृपा करुणा इसीलिए बने गए। तो ऐसा भाव रहे कि हमेशा अन्यों को आध्यात्मिक स्फुलिंग देखें। और भगवान कहते हैं कि अपने आध्यात्मिक गुरु को सदैव आदर करें, कभी उनके आदर में कमी नहीं आए। गुरु के आदर हमेशा होना चाहिए, हृदय में करुणा हो, और ऐसे संग को त्याग दें जो हमें भक्ति से दूर ले जाता है। और जब बहुत स्पष्ट कहते हैं भगवान कपिल ये सब बातें कहने के बाद कि अगर कोई इन सब का पालन करता है तो वो उस अवस्था को प्राप्त कर सकता है। कौन सी अवस्था? मर गुण श्रुति मात्रेण, मेरे गुणों को केवल श्रुति मात्रेण, मई सर्वं गुहाशये, तो उसमें इतना प्रेम उत्पन्न हो जाए उसको प्राप्त कर सकता है अगर इन चीजों को करता। तो सातवें स्कंद में नारद मुनि ने बताया कि अधर्म की कितनी शाखाएं हैं, और तीसरे स्कंद में उन्होंने पहले ही बता दिया भगवान कपिल ने कैसे उनसे बचना। तो ऐसे ये अरिष्टा सुर का हम वध कर सकते हैं। तो अब जब अरिष्टासुर का वध हो गया तो नारद मुनि अब सोच रहे थे कि बहुत हो गया, कृष्ण ने इतना समय बिता लिया, अब कंस को कब मारेंगे, भूल कर तो नहीं गए। कभी कभी ऐसा होता है कृष्ण लीला में भूल जाते हैं, उनको आनंद आ रहा है गाय चराने में, असुरों को मारने में, अपने मित्रों के साथ खेलने में, बड़ा आनंद आ रहा है। तो इसीलिए नारद मुनि कंस के पास पहले पहुंचे, भगवान के पास भी आएंगे लेकिन पहले कंस के पास पहुंचे। तो कंस के पास पहुंचे, कंस ने स्वागत किया, क्योंकि कंस एक चीज जानता था, ये देवता लोग मेरे विरोधी हैं, प्लान करते रहते हैं, षड्यंत्र करते रहते हैं मुझे मारने का, लेकिन एक मेरा हितैषी है, और वो है नारद। ये कंस जानता था क्योंकि पहले भी नारद जी ने आके बताया था ना, अरे क्या कर रहे हो, बच्चे को वापस क्यों दिया, मारो उसे, जब वसुदेव जी लेकर आए थे। तो अब फिर पहुंचे कंस के पास, तो कंस तो स्वागत, बड़ा आनंद कि मेरे हितैषी आए हैं। तो नारद मुनि ने पूछा कैसे हो कंस जी, सब चल रहा, बहुत बढ़िया चल रहा। तो कंस को कहा क्या बढ़िया चल रहा है, कुछ अच्छा नहीं है, तुम जानते नहीं हो नंद महाराज के घर में जो कृष्ण और बलराम है, अभी तक किसी ने बताया नहीं था, अभी तक यही था कि यशोदा के संतान हुई वो कृष्ण है, और अब नारद मुनि ने बताया वो जो कृष्ण बलराम है वो वसुदेव के पुत्र हैं।
वो यशोदा के पुत्र नहीं है दोनों, तुम्हें भ्रम में रखा गया, गलत बताया गया कि यशोदा के संतान लड़का हुआ, यशोदा की लड़की हुई थी और वसुदेव इसमें धोखा दिया तुम्हें। हाँ वसुदेव ने धोखा, बिल्कुल धोखा दिया, ले गया था लड़के को, ये देवकी पुत्र है वो, उसको ले गया और पुत्री को ले आया, पुत्री तो यशोदा की थी जिसको तुमने मारने का प्रयास किया। ओ, देखो नारद मुनि पर तो पूरा विश्वास था, ये बात तो सही थी। उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा है, उसने तलवार निकाली, उसने कहा अभी वसुदेव को मार देता हूं, मेरे साथ उसने गलत किया। तो नारद मुनि ने कहा वसुदेव को क्यों मारते हो, वसुदेव से तुम्हारा क्या लेना देना, तो लड़के उनके मारने वाले हैं तुम्हें, आठवीं संतान, इनको क्यों मार रहे हो, और फिर इनको मारोगे तो भाग जाएंगे वहां से, उनको समाचार मिल जाएगा, भाग जाएंगे, बुद्धिमान हो ना। कहा बिल्कुल नहीं मारो, मैंने कहा ठीक है मारूंगा नहीं, लेकिन बेड़ियों में तो डाल इतना अपमान, तो तुरंत उनको फिर से जेल में डाल दिया, बेड़ियों में, अभी तक नहीं डाला, अभी तक उसे तुम उनको डाल देना जेल, आगे चलकर उन्होंने जेल में डाल दिया। अब नारद मुनि ने ऐसा क्यों किया, वसुदेव जी को कितना क्रोध आया होगा, अरे मैं अच्छा भला स्वतंत्र था, पहले मेरे संतान को मरवाया नारद मुनि ने, अब मैं अच्छा भला बाहर था, मुझे अंदर करवा दिया और ऊपर से मेरे बच्चों को खतरे में डाल दिया, तो वसुदेव जी को बहुत गुस्सा आया होगा, बिल्कुल नहीं। आगे स्कंद में वर्णन आएगा 11वें स्कंद में कि वसुदेव जी धन्यवाद देते हैं नारद मुनि को कि बहुत अच्छा हुआ आपने किया ताकि कृष्ण आकर ये कंस का वध कर सके, इसलिए वो धन्यवाद दे रहे हैं, उनको कोई गुस्सा नहीं था नारद मुनि पर। तो नारद मुनि ने भी ये कार्य इसलिए नहीं किया कि वो कृष्ण के विरोधी हैं, इतने बड़े भक्त हैं कैसे कर सकते हैं, वो चाहते थे कंस मरे जल्दी, तो ऐसे कहकर वो चले गए, बहुत गुस्से में आ गया कंस उस समय भी। अब उसने सोचा कि तो नारद मुनि उसको सुझाव देकर गए थे कि काम करो दोनों को बुलाओ यहां पर, और यहां अपने घर में बुलाकर मारो, वहां मत जाओ, इतना प्रयास कर लिया मारने का, यहां बुला, यहां तुम्हारी शक्ति ज्यादा, ठीक है। उसने निश्चय कर लिया कि दोनों को मैं बुलाऊंगा, और निश्चय करने से पहले ये पता था कि दोनों को बुलाना है, उसने एक आखिरी चांस और देता हूं, केशी को बुलाया, जाओ मार के कृष्ण को, आखिरी चांस, लास्ट चांस देता हूं, शायद मर गया तो अच्छा। और फिर केशी को भेज दिया और फिर उन्होंने अक्रूर जी को, अक्रूर जी को क्यों बुलाया, अक्रूर जी का इमेज बड़ा अच्छा है सब जगह, अच्छे माने जाते हैं, तो उनको भेजूंगा तो कृष्ण बलराम आ जाएंगे, और किसी को भेजा तो नहीं आएंगे, तो अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी कौन है, महान भक्त है, हम लोग देखते हैं भक्ति के जो 9 साधन हैं अंग, उसमें से एक के एक को प्रकट करने वाले अक्रूर जी भी है, कौन से को, स्मरण के ऊपर लाल महाराज, अक्रूर जी किसको प्रकट करते हैं, वंदना, उन्होंने बहुत सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण की, तो इतने महान भक्त हैं और उनको बुलाया कंस ने। और देखिए कंस बहुत चतुर आदमी था, उसने बड़े प्रेम से उनका हाथ अपने हाथ में लिया, मित्र अभी तक तो कुछ नहीं किया था ऐसा, अब किया था, तो मेरे बड़े अच्छे मित्र हो, और बहुत उसने क्या कहते हैं हिंदी में बम्बई की भाषा में कहते मस्का लगा दी। तो कंस कहने लगा अक्रूर जी से कि आप ही तो हैं जिनकी मैं शरण आ सकता हूँ, जैसे जब देवताओं को कुछ भी होता है वो विष्णु की शरण जाते हैं, आप मेरे लिए उसी समान है, एक आपकी ही शरण आ सकता हूँ जब भी जीवन में कष्ट आ रहा है। अच्छा अक्रूर जी सोचे क्या हो गया, तो उन्होंने कहा कि देखिए मेरे ऊपर जब भी संकट आता है मैं आपके ऊपर आपके पास आता हूँ, इसीलिए अब आपको मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो कृष्ण और बलराम हैं नंद महाराज क्या कह रहे हैं, दरअसल वसुदेव के पुत्र हैं, मुझे पता चल गया, और आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप जाइए और ये रथ ले जाइए। तो आचार्य गणवर्णन करते कि दिखाया उसने रथ, और जब अक्रूर जी ने देखा तो एकदम नया रथ था, अभी तक कंस ने यूज नहीं किया, बिल्कुल नया स्वर्ण जड़ित रथ। अक्रूर जी ने कहा ये सही, अन्य कोई रथ भी ले जा सकता उस पर तो कंस बैठा हुआ दूषित हो चुका सारा, उन्होंने कहा ये रथ ले जाना, तो नया रथ था, ये रथ ले जाइए और कृष्ण बलराम को ले आइए यहाँ पर, उनको कहिएगा कि यहाँ पर मल्लयुद्ध होगा,
यहाँ पर धनुर्यज्ञ होगा और नंद महाराज वगैरह भी सबको ले आइएगा ताकि वो भी आके देखें, और मैं जब वो आएंगे तो अपने बड़े बड़े पहलवानों से अन्य स्थान चीजों से उनका दोनों का वध करा दूंगा। तो स्पष्ट कह दिया कि तुम लेकर आओ इसलिए कि दोनों को मैं मारूंगा। इतना सुनने के बाद भी अक्रूर जी गए क्यों, वर्णन आएगा आगे। तो उन्होंने ऐसे कहा कि तुम जाओ और उनको लेकर आ जाओ। तो अक्रूर जी ने कंस से कहा, अब ये सुन तो लिया, अक्रूर जी ने कंस से कहा कि आपकी योजना तो बहुत अच्छी है, देखिए कितनी अच्छी, आपने बड़ी सोच समझ के योजना बनाई है कि आप लाएंगे दोनों को और यहाँ पर मरवा देंगे। और फिर उसने ये भी कहा कि इतना ही नहीं, मैं कृष्ण और बलराम के बाद मैं वसुदेव को भी मार दूंगा, अपने पिता उग्रसेन को भी मार दूंगा, जितने भी राजा विरोध करेंगे उनको मार दूंगा, और फिर मेरे जो सहयोगी हैं जरासंध और इतने सारे ये असुर, इनके साथ मिलकर पृथ्वी पर पूरे राज्य करूंगा। जय श्री श्री गोविंदराज पूरी पृथ्वी पर राज्य करूंगा, ये योजना बता दें सबको मारने वाले। तो अक्रूर जी ने कहा कि बहुत अच्छी योजना है आपकी, बहुत सोच समझ कर बनाई है, लेकिन एक बात जान लीजिए, अक्रूर जी कहते हैं कि व्यक्ति को सुख में और दुख में समान रहना चाहिए। अर्थात वो उनको बता रहे थे कि बड़े प्रसन्न हो रहे हो योजना बनाकर कि कृष्ण को मारने वाले हो, यही भाव रखना जब कृष्ण तुम्हें मार दे, तो व्यक्ति को एक ही समान रहना चाहिए। और हमें जो भी मिलता है भाग्य से मिलता है, हमारे भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा। फिर भी आप कहते हैं तो मैं जाऊंगा, तो क्यों स्वीकार किया, वे जानते थे, इसीलिए तो रुके हुए थे, नहीं तो अक्रूर जी तो कब के चले जाते कंस को छोड़कर। आपको स्मरण होगा कि जब प्रारंभ में पहले अध्याय में हम लोग कंस की बात कर रहे थे, तब हमने कहा था कि सारे भाग गए थे वहां से, लेकिन कुछ लोग बने रहे। क्यों बने रहे, उनका उद्देश्य था कि वो कृष्ण को देखना चाहते थे, कृष्ण के द्वारा कंस का वध देखना चाहते, और अक्रूर जी उनमें से, और अक्रूर जी को पूरा विश्वास था कि भगवान को कुछ नहीं हो सकता, और इसीलिए जब कंस ने कहा तो वो तैयार हो गए कि ठीक है आप कहते हैं तो मैं जाऊंगा। और अब कंस ये सुनकर बड़ा प्रसन्न हो गया, अपने कमरे में चला गया, अक्रूर जी भी अपने घर चले गए। तो ऐसे ये अध्याय समाप्त होता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय इसलिए भी है, जहाँ ने देखा कैसे अरिष्टासुर का वध है, और अब कृष्ण की ब्रज लीलाएं समाप्त हो गई, और जब अक्रूर जी आएंगे, संध्या का रात्रि का समय हो गया, अक्रूर जी सो गए, अगले दिन सुबह सुबह निकलेंगे। अक्रूर जी जब आएंगे जिस अध्याय में, अभी दो अध्याय और हैं, कल हम लोग वर्णन करेंगे केशी के वध का इत्यादि, मंसूर और अक्रूर जी का आगमन। अक्रूर जी का आगमन ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि ये हमें सिखलाता है कि भगवान के धाम में प्रवेश करने की हमारी क्या मानसिकता होनी चाहिए, जो अक्रूर जी की थी। तो अक्रूर जी अपने उदाहरण से हमें सिखलाने वाले हैं, तो बहुत जल्द हम उसका भी वर्णन हम लोग करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। किसी के कोई प्रश्न है, दो शब्द आते हैं इसको, जैसे एक वेद वादर है और एक धर्म ध्वजी, इन दोनों में अंतर है कुछ या एक ही तरह के? जैसे हमने प्रश्न ये है कि वेद वादर और धर्म ध्वजी इन दोनों में अंतर है या एक ही प्रकार के हैं? जैसे हमने अधर्मियों की पांच शाखाएं बताई हैं, सारे अधर्मी, लेकिन कार्यों में थोड़ा भेद है। इसी प्रकार जो वेदवाद रता हैं और जो धर्म ध्वजी हैं दोनों अधर्मी, भक्ति की दृष्टि से कोई लाभ नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कार्य में भेद है। वेदवाद रता किनको माना जाता है, जिनका वर्णन भगवान भगवद्गीता में करते हैं, याम इमाम पुष्पितम पाशम, कि जो लोग बड़ी अलंकारिक भाषा जो वेदों की होती है उससे प्रभावित होकर कर्मकांड में जाने लगते हैं, उनको वेदवाद रता कहा गया, या वेदों को सही रूप में जो प्रस्तुत नहीं करते उनको वेदवाद रता कहा गया है।
या जो किसी आचार्य का पालन नहीं करते उनको वेदवाद होता कहा गया है। ऐसे कई लक्षण आप ईशोपनिषद पढ़ेंगे तो उसमें आते हैं। तो वेदवाद रहता ये व्यक्ति हैं जो वेदों को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं, उनका उपयोग गलत करते हैं, और उनका उद्देश्य सही क्या उद्देश्य है, वेदेश्च सर्वे रहमेव वेद्य, उसको प्रकट नहीं करते। या विमान पुष्पितम वाचाम, वो उनकी जो अलंकारिक भाषा उससे प्रभावित हो जाते हैं। इसीलिए भगवान ने अर्जुन से क्या कहा, त्रैगुण्य विषय वेदस निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, कि वेदों में तीन गुण है तुम उसमें मत फंसो, निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। तो वो वेदवाद होता है। धर्मध्वजी क्या है, धर्मध्वजी ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो वेदों का भी पालन ना करें। ये जो वेदवाद रहता होते हैं तो वेदों को लेकर गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं, या वेदों के कर्मकांड से ज्यादा प्रभावित होते हैं। धर्मध्वजी क्या है, वो बनेंगे कि हम धर्मध्वजी मतलब धर्म के रक्षक। हो सकता है वो शास्त्र का पालन ना भी करते हैं, अपना ही धर्म बनाकर करते हैं, या शास्त्र का पालन कर कर भी धर्म के रक्षक करने का प्रयास करते हैं। धर्मध्वजी कहा है मतलब जो स्वतः ही धर्म के रक्षक बन गए। किसने बनाया आपको धर्म का रक्षक, तो वो जो स्वतः बन जाते हैं उनको धर्मध्वजी कहा है। तो थोड़ा सा भेद है दोनों एक ही प्रकार के नास्तिक, क्योंकि भगवान को भूलकर अपने अहंकार को वो लोग आगे बढ़ा। हाँ, वैसे आज एक लीला रह गई, हमने सोचा था कहेंगे अरिष्टासुर के वध के बाद बहुत सुंदर लीला हुई थी राधा कुंड श्याम कुंड का प्राकृति। हम सोच रहे थे कि इसको कहेंगे, अभी समय है तो कह दे 5 मिनट की, सब लेट हो रहा है। किस दिन हुआ था प्राकृत्य, बहुलाष्टमी के दिन नहीं, हाँ योगी सारे मत बोलिए कार्तिक में हुआ ही नहीं है। क्या कह दिया, राधा कुंड का प्राकट्य शास्त्रों के अनुसार चैत्र पूर्णिमा के दिन हुआ है, अप्रैल में आता है चैत्र मास, चैत्र पूर्णिमा के दिन हुआ है। तो फिर इतना बहुलाष्टमी के दिन इतना क्यों किया जाता है, वो उसका क्या महत्व है, कल चर्चा करें। कल प्रारंभ में थोड़ी सी चर्चा राधा कुंड की कर लेंगे अरिष्टासुर के वध के बाद, और ये भी बताएंगे कि क्यों बहुलाष्टमी, दरअसल क्यों राधा कुंड का प्राकट्य और क्यों मनाया जाता है वो प्राकट्य नहीं, उसका कारण है, तो कल आपको चर्चा करें। ठीक है, कल आप लोग समय पर सुबह आ जाए तो पहले राधा कुंड के बहुत सुंदर लीला भी है, राधा कुंड के आविर्भाव की कैसे वो लीला हुई, तो समय काफ़ी हो जाएगा, कल कर लेंगे। कल ज़्यादा नहीं है, केशी का वध करना है, केशी और ब्रह्मा से होकर कल प्रयास कर। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रश्न है तो करते, और कोई प्रश्न यहाँ पर किसी के हैं आप लोगों के, ओके क्या है जो भगवत गीता में दिया है, हमने वर्णन ही नहीं किया पंच महायज्ञ का, तो आप प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं, वर्णन किया मैं पंच महायज्ञ का सब, फिर ये प्रश्न क्यों आ रहा है। प्रयास किया कीजिए कि जो विषय से संबंधित प्रश्न पूछिए पहले, और फिर अगर समय हो अंत में तो ऐसे प्रश्न पूछिएगा जो आपके प्रवचन से संबंधित नहीं है। फिर भी आपने पूछा है पंच महायज्ञ, ये बताए गए हैं क्योंकि साधारण दैनिक जीवन में हम 5 प्रकार के पाप करते हैं जिनको पंच शून्य कहा जाता है। 5 प्रकार के पाप क्या होते हैं, आप झाड़ू लगाते हैं, कीड़ों को मार देते हैं, पानी बॉइल करते हैं, कीड़ों को मार देते हैं, ऐसे ही जो सांस लेते हैं कीड़ों को मार देते हैं, वैसे कुछ पंच जो अनजाने में हम कर लेते हैं, और उनके लिए भी 5 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। अलग अलग यज्ञ, अन्य प्राणियों को कुछ खिलाना, अतिथियों का स्वागत करना, भगवान के नाम का उच्चारण करना, ये पंच महायज्ञ इसमें आए हुए हैं भगवद्गीता में। भगवद्गीता के तात्पर्य भगवद्गीता में,
अगर कोई भक्त अपने आप को सही साबित करने के लिए शास्त्रों का सहारा लेता है तो क्या ये भी छल धर्म के अंतर्गत आता है? अगर कोई व्यक्ति शास्त्रों के सार को साबित करने के लिए शास्त्र का सहारा लेता है, जैसे प्रभुपाद ने ये साबित करने के लिए कि कृष्ण भगवान है, उन्होंने इस शास्त्रों का सहारा लिया, शास्त्रों से उद्धृत किया, इस शास्त्र में ये कहा गया, उस शास्त्र में ये कहा गया है, शंकराचार्य जी ने ये कहा, रामानुजाचार्य ने ये कहा, वो छल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप शास्त्र की ही बात को प्रमाणित करने के लिए शास्त्र का उपयोग कर रहे हैं, और केवल बात को नहीं शास्त्र के सार को, वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, अगर इसको प्रमाणित करने के लिए आप शास्त्र का सहारा ले रहे हो तो वो कोई गलती नहीं, वो छल नहीं। लेकिन हाँ, आप अपनी कोई इच्छा को पूर्ण करने के लिए शास्त्र का सहारा ले रहे हो, आपको लगता है कि भगवान कृष्ण नहीं है, दरअसल वो तो गणेश जी भगवान है, और उसके लिए आप शास्त्र को किसी तरह से तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर रहे हो तो वो गलत है। तो इसलिए शास्त्र का सहारा लेना तो हमारे लिए अनिवार्य है, नहीं तो हम सत्य को कैसे स्थापित करेंगे? तो सत्य को स्थापित करने के लिए किया गया शास्त्र का सहारा सही है, लेकिन केवल अपने आप को सही साबित करने के लिए कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है, ये सत्य नहीं है। दंत वक्र के बारे में थोड़ा नहीं, प्रभु जी क्यों ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं? अभी हम पहुंचे नहीं हैं, आप लीलाएं सुनते रहिए, जब लीला पर पहुंचेंगे शिशुपाल दंत वक्र का आएगा वह, तब वर्णन करेंगे। आप अभी से बहुत आगे जंप मार रहे हैं, ये पहला प्रश्न भी आपका ही था पंचमहायोग, तो आएंगे, आप शांत रहिए। और हमारा आप सबसे निवेदन ये है कि जो प्रवचन दिया जाए उससे संबंधित प्रश्न उस दिन पूछिए, दंतवक्र शिशुपाल ये सब आने वाला है, अभी क्यों नहीं, आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? इंतज़ार कीजिए, थोड़ा बहुत अति में इंतज़ार होना चाहिए। आप अगर अपने लिए पूछेंगे, हम लोग हर चीज़ में इमीडिएटली रिएक्ट कर देते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, तो हाँ हम लोग इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं, तो हमें हर समय थोड़ी सी सहनशीलता बनानी चाहिए, और जब भी ऐसे रिएक्ट हो जाएं तुरंत अपने आप को कोसना चाहिए कि क्यों मैंने रोका नहीं। तो अगर आप ये प्रारंभ करेंगे तो 10 बार में से 9 बार आप रिएक्ट करेंगे, लेकिन एक बार हो सकता है बच जाए ना। तो इसीलिए रिएक्ट करने से पहले हमें बहुत आवश्यक है कि हम जो कह रहे हैं, क्योंकि ये मान जान लीजिए कि बंदूक से निकली हुई गोली और समय और मुंह से निकला हुआ शब्द ही वापस नहीं लिया जा सकता, इसीलिए बहुत संभालना चाहिए बोलने के लिए। तो आपको वाचा की तपस्या जो भगवान ने भगवद्गीता के 17वें अध्याय में वर्णन किया है उसको ध्यान से पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। वाचा की तपस्या क्या है? भगवान बताते हैं कि हमें कैसे बोलना चाहिए, तो उसको आप ध्यान से पढ़िए। 5 चीज़ें भगवान ने बताई हैं जिसमें भगवान कहते हैं कि कैसे हमें वाचा की तपस्या करनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, किसी को हमें व्यथित नहीं करना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, स्वाध्याय होना चाहिए इत्यादि, तो उसको आप ध्यान से पढ़िए। लेकिन हाँ, अभ्यास शुरू करें। दूसरी चीज़ ये जान लें कि एक बार मुख से निकला वो शब्द वापस नहीं आएगा, इसलिए बहुत संभाल कर बोले। और तीसरी चीज़, एक बार आपने किसी को दुखी कर दिया वो जीवन भर दुखी रह सकता है अगर आप ढंग से उसको नहीं संभाल, इसलिए उसको प्रयास कीजिए कि ऐसा नहीं होता है।
आज के समय में लोग साईं बाबा को बहुत मानते हैं, ये किस प्रकार का धर्म है, किस प्रकार का ये धर्म है। अगर साईं बाबा ने अपने आप को भगवान कहा है तो वो फिर परधर्मी है, उपधर्मी है, अगर उन्होंने अपने आप को भगवान कहा। लेकिन अगर लोग उनको भगवान मान रहे हैं तो फिर ये लोगों की मूर्खता है। हमें अभी पता कौन से साईं बाबा की बात कर रहे हो, दो हो गए हैं। तो अगर आप शिरडी के साईं बाबा की बात कर रहे हो तो हम बहुत बार शिरडी जा चुके हैं, अपने स्कूल के समय, कॉलेज के समय बहुत जाते थे, मुंबई में रहते थे तब, और हमने वहाँ से उनकी किताबें लेकर बहुत पढ़ी हैं। और उसको पढ़ने के बाद वो किताबें जो उनकी संस्था ने पब्लिश की हैं, वो किताबें पढ़ने के बाद हमें विश्वास हो गया कि साईं बाबा भगवान नहीं है। क्यों नहीं है? वो एक सिद्ध पुरुष है, निश्चित है सिद्ध पुरुष है, और वो इस तरह, और उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। उन्होंने हमेशा कृष्ण की पूजा की, भगवद गीता पढ़ी, फिर लोगों ने उनको भगवान बना दिया। तो इसीलिए ये लोगों की गलती है। नवदा भक्ति के हिसाब से सारे भक्तों का नाम अक्रूर जी का वंदनम है। अच्छा, अब ये संबंधित है कि नहीं बोलेंगे तो संबंधित है, आपने कहा है तो आपको बताना पड़ेगा। श्रवण के लिए नौ प्रारंभ होते श्रवण कीर्तन से, श्रवण के लिए कहा गया परीक्षित महाराज का, कीर्तन के लिए शुभदेव गोस्वामी का, स्मरण के लिए प्रहलाद महाराज का, और उसके बाद क्या आता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम लक्ष्मी जी, आगे अर्चनम, अर्चनम के लिए पृथ्वी महाराज, वंदनम अक्रूर जी, साख्यम अर्जुन या हनुमान जी, आत्मनिवेदन और एक दास्यम, दास्यम में हनुमान जी, और साख्यम में अर्जुन, और आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन में कौन है, बलि महाराज, और इन सारे नौ को एक साथ पूरा किया अम्बरीश महाराज। There are six types. प्रश्न है, there are six types of liberation out of which five of them are attainable. Abhi padhne ka hai kya isme se kya hai, there are six types of liberation out of which five of them are attained by Krishna. Krishna, conscious devotees, okay. And Krishna repeatedly speaks in Bhagavad Gita that one who remembers me at the time of death will attain my abode. Chaitanya Mahaprabhu appeared to distribute the love of Godhead to each and every one, but I see in Chaitanya Charitamrita there are few discussions on the topics of going back to Godhead. Rather, emphasis is given only for unalived devotion. My question is, whether is it possible a person without pure love of Godhead can still attain the five kinds of mukti and transgress this material world? Second, Brahman realized souls after attaining Brahma Jyoti. How is that living entity free from the loss and suffering? Still think of staying away from Krishna. Thank you. प्रश्न ये है कि पांच प्रकार की मुक्तियों का वर्णन है, छह प्रकार की, उनमें से पांच को कहा गया है। तो ये जो वर्णन पहला प्रश्न का ये है कि क्या ये संभव है कि किसी को प्रेम प्राप्त ना हो फिर भी पांच में से एक मुक्ति वो प्राप्त कर सके? निश्चित, पांच मुक्तियों में से एक मुक्ति है सायुज्य। पांच प्रकार की जो मुक्तियां हैं, सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य और कौन सी मिली, सालोक्य, सारिष्टि, सॉरी सारिष्टि,
तो ये पांच प्रकार की मुक्तियों में से जो सायुज्य मुक्ति है ये बिना प्रेम के प्राप्त हो सकती है। उसमें कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होता, लेकिन वो सायुज्य अर्थात ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना, तो वहाँ ये संभव है। तो आपका प्रश्न है कि क्या पांच में से कोई भी एक मुक्ति को प्राप्त करके जगत के परे जाया जा सकता है? हाँ जी, जाया जा सकता है। जब व्यक्ति सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है तो जा सकता है। और दूसरा प्रश्न है कि ब्रह्मन रियलाइज, ब्रह्म जो साक्षात्कारी आत्माएं होती हैं तो ब्रह्म ज्योति प्राप्त कर लेती हैं, लेकिन फिर भी ग्रह अपना स्थूल और सूक्ष्म शरीर त्याग देती हैं, फिर भी कैसे कृष्ण भक्ति से विरुद्ध रह सकती हैं, अलग रह सकती हैं? भागवत में इसका वर्णन किया गया है कि जब ब्रह्म ज्योति में आत्मा प्रवेश करता है तो वहाँ कोई कार्य नहीं है, और क्योंकि कार्य नहीं है, सेवा नहीं है, इसीलिए जीव वहाँ पूर्ण सुख को प्राप्त नहीं करता। हालांकि उसने इस जगत को त्याग दिया है, भौतिक जगत से परे चला गया है, लेकिन अभी तक आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं किया है, क्योंकि ब्रह्म ज्योति ये बीच का स्थान है, जहाँ जैसे शिव जी का लोक ये बीच का स्थान है, जो ना आध्यात्मिक जगत का हिस्सा है ना भौतिक जगत का हिस्सा है। तो जब ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करते हैं और क्योंकि वहाँ सेवा नहीं है, अभी तक प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, भौतिक जगत से अनासक्ति पूर्ण हो गई है, इस भौतिक जगत को उन्होंने त्याग दिया है, इसीलिए इस प्रकार की एक मुक्ति भगवान ने रखी है उन लोगों के लिए। लेकिन भागवत कहता है कि क्योंकि प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, पतन्ति अधः, उनको फिर से आना पड़ता है। तो दूसरी दृष्टि में ये मुक्ति नहीं है पूर्ण। हाँ, मुक्तियों की श्रेणी में इसलिए आती है क्योंकि इस जगत के परे ले जाती है, आध्यात्मिक आनंद देती है, क्योंकि जो ब्रह्म का आनंद है वो आध्यात्मिक आनंद है, लेकिन पूर्णता नहीं है। तो आध्यात्मिक आनंद में तीन स्तर है, पूर्ण, पूर्णतर और पूर्णतम। तो पूर्ण आनंद मिलता है ब्रह्म ज्योति में, पूर्णतर आनंद मिलता है परमात्मा साक्षात्कार में, और पूर्णतम आनंद मिलता है भगवान साक्षात्कार में। तो इसीलिए जो लोग वहां भी जाते हैं वो कृष्ण भावना भावित कार्यों में नहीं रख पाते। कोई प्याज और लहसुन खाते हैं लेकिन नाम जप करते हैं, तुलसी माला पहनते हैं, तो ये अपराध है? बिल्कुल अपराध है। क्यों है? क्योंकि नाम जप तो कोई भी कर सकता है। नाम जप करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम प्याज लहसुन खाना, हम तो हरेक को बोलते हैं, किसी को भी, कोई व्यक्ति आता है शराब पिए हुए आता है उसको भी बोलते हैं नाम जप करो। नाम जप करने में कोई गलती नहीं है। हाँ, लेकिन जब हम कंठी धारण करते हैं, तुलसी की माला पहनते हैं, तब हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अब हम जो भी इस गले के अंदर डाल रहे हैं वो इस प्रकार है मानो तुलसी में डाल रहे हैं। तो इसीलिए जब आप नॉन वेज, प्याज लहसुन शराब या जो भी इसके अंदर डाल रहे हैं तो फिर ये अपराध माना जाता है। हाँ, नाम जब अगर कोई केवल तुलसी नहीं पहना है लेकिन प्याज लहसुन खाकर नाम जब कर रहे हैं, वो कोई अपराध नहीं, वो तो बहुत अच्छी बात है। और हम लोग, हमें ऐसे लोगों को एनकरेज करना चाहिए कि हाँ हाँ और जब कीजिए, कोई चिंता नहीं। कभी कभी लोग आकर पूछेंगे, एक बार एक व्यक्ति ने हमसे पूछा, हमने उनसे कहा भगवान को, बोले मेरी इच्छा तो बहुत है नाम लेने की लेकिन मैं शराब पीता हूँ, क्या करूँ? मैंने कहा पीते रहिए लेकिन ये नाम लीजिए। इसका ये नहीं कि हम उन्हें शराब पीने की प्रेरणा दे रहे थे, इसका अर्थ ये है कि हमें नाम लेने की प्रेरणा दे रहे थे, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, अगर अपराध है तो किसका है, जप माला तुलसी माला देने वाले का या पहनने वाले का? दोनों का है, दोनों का है। देते समय हमें ध्यान रखना चाहिए, हम तुलसी की माला अगर किसी को दे रहे हैं तो हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि ये व्यक्ति पालन करेगा, और अगर विश्वास नहीं है तो फिर नहीं देना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि अभी उनको, हम कई ऐसे भक्तों को जानते हैं जिनको कहा गया रुकने के लिए, अभी नहीं है आपके घर में व्यवस्था, आप रुकी, और वे रुके और आगे चलकर अच्छे भक्त बने, तो रोक देना चाहिए, नहीं तो दोनों का अपराध है। प्रश्न है कि हर जीव को आत्मा के रूप में देखना है, भेद नहीं करना है, इसकी प्रैक्टिस किस तरह से करें? हाँ, हर व्यक्ति को आत्मा के रूप में देखना बहुत कठिन होता है, संभव नहीं होता है, और हम लोग भेद करते ही हैं।
तो प्रयास करना चाहिए कि पहले बारंबार शास्त्र के इन श्लोकों को हम लोग स्मरण करने का प्रयास करें। हमें वांछित जीव लोग के जीव गुप्त सनातन रहा सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति वा तासां ब्रह्म महद्योनि अहम बीज प्रदापिता मैं ही अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वं प्रवर्तते। इन इन इनके जो अर्थ है उनका स्मरण का प्रयास करना चाहिए ताकि हम थोड़ा बहुत उस भावना में आए कि ये सारे जीव। फिर दूसरी चीज, हमें कम से कम भगवान के जो बड़े श्रेष्ठ भक्त हैं उनको आत्मा के रूप में देखने का प्रयास प्रारंभ करना चाहिए। ये बड़ा सरल है। आप घर में आए हुए भिखारी को आत्मा के रूप में देखने का प्रयास नहीं करोगे क्योंकि आप कर नहीं पाओगे। इसीलिए जो बहुत वरिष्ठ भक्त हैं, सन्यासी हैं, हमारे आंदोलन के जो बड़े महान रहे हैं पहले, उनको आत्मा के रूप में देखना शुरू कीजिए। कैसे? अब उनके कार्य को देखिए कि कैसे वो कार्य करते हैं। अरे बिल्कुल देखिए, बिल्कुल उनको रुचि नहीं, मान सम्मान में रुचि नहीं है। उनका एक ही उद्देश्य है कि कैसे कृष्ण के पास है, ये आत्मा का स्तर है। तो कम से कम उनको देखने का प्रयास कीजिए जो अभी बहुत ऊंचे स्तर पर हैं, जो प्रभुपाद जी के समय से बहुत प्रचार कर रहे हैं, आंदोलन में लगे हैं, सन्यासी हैं, ऐसे लोगों में देखना शुरू कीजिए प्रारंभ। फिर उस भावना को अन्यों में लाइए, अन्य भक्तों में लाइए कि हाँ हमने देख लिया कि क्या लक्षण है उस भक्त के जो आत्मा के स्तर पर कार्य करता है। ये भी थोड़ा थोड़ा करता है, पूरा नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा, ऐसे लाइए। तो फिर धीरे धीरे ये भावना अन्यों तक पहुँचेगी। तो लाना ये आर्टिफिशियल नहीं करना चाहिए कि आज से हम हरेक को आत्मा के रूप में देखेंगे, सांप दिखेगा तो उसको गले लगाएंगे, तुम भी आत्मा मैं भी आत्मा, या कोई बैल मारने आएगा तो हम कहेंगे आ बैल मुझे मार, तुम भी आत्मा मैं भी आत्मा, या फिर मायावादियों की तरह हरेक को भगवान कहना शुरू कर देंगे, हे नारायण गाय नारायण है, कुत्ता नारायण है, दरिद्र नारायण है। नहीं, ये आर्टिफिशियल नहीं कीजिए। लेकिन रियल में पहले जानिए कि क्या लक्षण है उस व्यक्ति के जो आत्मा के स्तर पर है। फिर जो वरिष्ठ सन्यासी गण हैं हमारे संस्था के, उनमें वो देखने का प्रयास कीजिए, उनके गुणों को देखिए। और रोज, आज आजकल तो ये संचार माध्यम इतना तीव्र है कि आप कहीं भी बैठे किसी भी सन्यासी के बारे में जान सकते हैं। तो हर एक सन्यासी के बारे में जानने का प्रयास कीजिए, वो किस तरह प्रचार करते हैं, उनके क्या गुण हैं, उनकी क्या शिक्षाएं हैं, वो कैसे अन्यों को प्रेरणा देते हैं। तो धीरे धीरे ये भावना आ जाएगी और आगे भी आएगी। ठीक है, भक्ति में नियम और प्रेम का क्या स्थान है? प्रेम को उत्पन्न करने के लिए नियम अनिवार्य है। तो भक्ति में अगर हम प्रेम उत्पन्न करना चाहते हैं तो हमें जानना चाहिए कि नियम अनिवार्य है। अगर नियम पालन नहीं करेंगे तो हृदय शुद्ध नहीं होगा, क्योंकि नियम किस लिए पालन किया जाता है? नियम पालन किया जाता है हमारे हृदय में जो दूषित भावनाएं हैं उनको त्यागने के लिए, हमारे हृदय में जो अहंकार है उसको त्यागने के लिए, और हमारे हृदय में अगर थोड़ी बहुत आसक्ति इस जगत के प्रति है उसको त्यागने के लिए नियम का पालन किया जाता है। तो जब आप नियम पालन करते हैं तो आसक्ति चली जाती है आपके हृदय से, हृदय शुद्ध हो जाता है और फिर उस शुद्ध हृदय में भगवान का प्रेम आ सकता है। तो इसलिए प्रेम प्राप्त करने का मार्ग है नियम का कड़ाई से पालन करना। नियम को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए किसी भी अवस्था में। हम वरिष्ठ हो गए, हम सन्यासी हो गए, हम प्रचारक हो गए, हम टेंपल प्रेसिडेंट हो गए, बिल्कुल नहीं। हर अवस्था में जब तक हम यहाँ हैं जगत में हमें नियम का पालन करना चाहिए। आदेश चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को दिया कि व्यक्ति को हर अवस्था में चाहे कितना ही ऊंचा क्यों ना हो जाए नियम पालन नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, आगे प्रश्न है, और अच्छे से श्रवण कैसे करें? अच्छे से श्रवण का क्या मतलब है और अच्छे से रीडिंग का क्या मतलब है? अच्छे श्रवण का अर्थ है कि वो जो हम श्रवण कर रहे हैं उसको हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। सुनने का अर्थ है पालन। जैसे हम यहाँ पर बैठे किसी व्यक्ति को कहें उठ के बाहर जाओ और वो जाए नहीं, हम उसको कह रहे सुना नहीं, उसने कहा सुना, तो सुना मतलब पालन करना चाहिए, उसको कहते सुनना। या पढ़ना मतलब पालन होना चाहिए। भारत में जहां पर लिखा होता है यहां पान खाकर थूकना मना है, लोग वहीं पर थूकते हैं। तो क्या है, पढ़ रहे हैं लेकिन नहीं पढ़ रहे हैं।
सुनने का अर्थ, पढ़ने का अर्थ है पालन। तो हम अच्छे से श्रवण कैसे कर रहे हैं, क्या अर्थ है अच्छे से श्रवण करने का, कि हम उससे अपने जीवन के लिए कुछ सीख रहे हैं या नहीं। जो व्यक्ति बोल रहा है उस व्यक्ति से हम क्या सीख रहे हैं अपने जीवन के लिए, ये महत्वपूर्ण है। तो श्रवण इस भाव में करना चाहिए, अच्छा श्रवण है। दूसरा, उस श्रवण के द्वारा कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ रहा है या नहीं। केवल हम कुछ सीख रहे हैं लेकिन कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं बढ़ रहा, वो भी श्रवण अच्छा नहीं है। तो श्रवण का पहला लक्षण कि हम उससे क्या अपने जीवन को बदलने के लिए सीख रहे हैं। श्रवण का दूसरा लक्षण, क्या उससे कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम बढ़ रहा है। श्रवण का तीसरा लक्षण अच्छे श्रवण का, कि क्या हमारी आसक्तियाँ कम हो रही हैं। ये सारी चीज़ें हमें अच्छे श्रवण की ओर, अच्छे श्रवण के लक्षण हैं। भक्त भक्ति का क्या फल है और शुद्ध भक्ति के कैसे, शुद्ध भक्ति को कैसे पहुंच सकते हैं। भक्ति का क्या फल है और शुद्ध भक्ति के तक कैसे पहुंच सकते हैं, ये प्रश्न है। भक्ति का क्या फल है, भक्ति का फल है और भक्ति कृष्ण के प्रति प्रेम, और शुद्ध भक्ति तक कैसे पहुंच सकते हैं। बहुत सरल है शुद्ध भक्ति करना। रूप गोस्वामी ने समझाया है शुद्ध भक्ति की क्या परिभाषा है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनामृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। ये शुद्ध भक्ति है, मतलब सबसे पहले जो भी कर रहे हैं कृष्ण के लिए करना शुरू करें, कृष्णानु, और कैसे करें, अनुशीलनम, आचार्यों के मार्ग पर चलते हुए। तो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं लेकिन आचार्यों के मार्ग पर चलते हुए करें, और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें, कृष्णानुशीलनम और अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्य जितनी भी आशाएं हमको धीरे धीरे कम करने का प्रयास करें, शून्य करने का प्रयास करें। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनामृतम अनुकूलेन, प्रमुखता हम जो कार्य कर रहे हैं वो बस इतना प्रयास करें कि हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें, अगर इतना भी हम कर सकें तो वो शुद्ध भक्ति है। दो घंटे की क्लास हो तो बैठ नहीं सकते, तब पैर थोड़ी देर फैला के बैठें तो भी अपराध है, क्या करें। और कुर्सी पर बैठिए, सरल है। अगर किसी को पाँव में कष्ट है, दो घंटे की क्लास में पूरे नीचे नहीं बैठ सकते, पाँव मोड़कर आसन बदलिए, आसन बदला जा सकता है। अगर आप सुखासन में हैं तो आप उससे वज्रासन में बैठ सकते हैं, फिर से सुखासन में आ सकते हैं, आसन बदल लीजिए। या फिर आप और ज़्यादा तकलीफ है तो कहीं ऊपर स्थान पर बैठ जाइए, कोई कुर्सी ले लीजिए, कोई छोटा सा ऊंचा स्टूल ले लीजिए। करने के लिए बहुत कुछ है, ज़रूरी नहीं है पाँव ही फैलाना, क्योंकि पाँव फैलाना ही अपराध माना जाता है। ओके, और क्या है? है दुखी अप्रतिहता, ये वाले प्रश्न थे। भक्त भास का फल क्या, भक्त भास का या तो हिंदी में लिख दीजिए या फिर प्रश्न समझ नहीं आ रहा। अगला प्रश्न है अहेतु की अप्रतिहता भक्ति कैसे करें, अहेतु की अप्रतिहता भक्ति कैसे करें। पहले जो भक्ति हम कर रहे हैं, जो नियम का पालन कर रहे हैं, जो हमें कही गई है आचार्यों के द्वारा, वही अहेतु की अप्रतिहता है। जैसे 16 माला हमें जप करना है, किस लिए करते हैं, कोई हेतु है उसका, या फिर हम बंद कर देते हैं, बस एक दिन हो गया, संडे कर लिया, एकादशी कर लिया। तो अप्रतिहता रुकना नहीं चाहिए। तो पहले जो मार्ग आचार्यों ने दिया है हम केवल उसका कड़ाई से पालन करें। जैसे प्रभुपाद ने हमें 16 माला जप दिए, 4 नियम का पालन दिया, हमें सेवाएँ दी, हमें शास्त्र दिए, इन सबको हम करें तो ये भी अहेतु की अप्रतिहता है। धीरे धीरे हेतु शुरुआत में हो सकता है, धीरे धीरे हेतु समाप्त हो जाएगा, लेकिन आचार्य के बताए मार्ग पर चले। तो अहेतु की भक्ति या अप्रतिहता भक्ति तब होती है जब हम आचार्यों के मार्ग पर चलते हैं, जो आचार्यों ने हमें बताया, कड़ाई से उसका पालन करने का प्रयास करते हैं, संघर्ष करते हैं उनके आदेशों का पालन करने में। संघर्ष होता है लेकिन वो संघर्ष हम करते हैं,
तब हम भगवान की भक्ति की ओर आगे बढ़ सकते हैं। समझ बात हो रहा है? ठीक है, और कोई प्रश्न है? बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और कुछ भक्त पूछ रहे थे कि 4 तारीख से क्या होगा, 3 तारीख तक तो ये कथा चलेगी, 4 तारीख से सोमवार से गुरुवार तक अर्थात 4, 5, 6, 7 ऐसे जो सुबह की एक क्लास है भागवतम क्लास, ये अलग अलग भक्त देंगे यहाँ जो रेगुलर क्लास चल रही है उसके अनुसार, और शुक्रवार शनिवार रविवार 3 दिन हम ये भागवत का जो सार है इसको जारी रखेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,